हेलो, हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। एज यूजुअल हमेशा ऐसी ही बातों से शुरुआत होती है, क्योंकि करें भी क्या, रोज़ रोज़ नई बातें कहाँ से लाएं। रोज़ रोज़ तो विषय नया हो सकता है, टॉपिक नया हो सकता है, बातें नहीं हो सकती है। हाल चाल तो इन्हीं शब्दों में पूछेंगे। और शुभेच्छु हूँ आप लोगों की, शुभ की कामना करती हूँ। इसलिए विकट परिस्थितियों में भी इच्छा रहती है कि आप स्वस्थ हैं, और वैसा ही मानस रहता है, वैसे ही उम्मीदें रहती हैं। बीए फाइनल के फर्स्ट पेपर में एक बार फिर से हम अपने पहले के पार्ट को लेकर चल रहे हैं। आधुनिक काव्य संकलन पेशोला की प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद, आधा हिस्सा हम इसका पढ़ चुके हैं, आधा हिस्सा हम इसका देखेंगे। यानी चौक हाँ, तो पेशोला की प्रतिध्वनि। अरुण करुण बिंब व निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड, विकल विवर्तनों से विरल प्रवर्तनों से श्रमित नमित सा, पश्चिम के व्योम में आज निरवलंब सा। आहूतियां विश्व की अजस्र ले लुटाता रहा सा, सतत सहस्त्र कर माला से तेज ओज बल जो वदान्य था कदम सा। पेशोला की उर्मिया है शांत घनी छाया में, तट तरु है चित्रित तरल चित्र सारी में, झोपड़े खड़े हैं बने शिल्प के विषाद ये दग्ध अवसाद से, दूसर जरद खंड भट पड़े हैं जैसे विजन अनंत में, कालिमा बिखरती है संध्या के कलंक सी, दुंद भी मृदुंग तूर्य शांत शब्द मौन है, फिर भी पुकार ही है गूंज रही व्योम में, कौन लेगा भार कौन विचलेगा नहीं। दुर्बलता इस अस्थि मांस की ठोंक कर लोहे से परख कर वज्र से, प्रलयोल का खंड के निकस पर कस कर चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा टहास पर। यहां तक हमने कर लिया था। पेशोला की प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है और लहर काव्य संकलन में संकलित है। महाराणा प्रताप का जो आह्वान है अपने क्षत्रियों के प्रति, अपने राज्य के युवा उत्तराधिकारियों के प्रति, और जिस कदर वो विफल है आगामी पीढ़ी को युद्ध की मशाल सौंपने को, उसी का इसमें चित्रण हुआ है। सूर्य का अरुण बिंब धूसरित हो गया है, पश्चिम आकाश की तरफ चल पड़ा है। आज उस सूरज को भी इस समय इतना निर्धूम, इतना निष्प्रभ दिखाया जा रहा है। वो सूर्य एक प्रकार से प्रतीक है महाराणा प्रताप का, कि यही चमकीला सूर्य चित्तौड़ के इतिहास को उष्मा और ऊर्जा प्रदान कर रहा था, तेजस्विता प्रदान कर रहा था, वह आज ढलान की तरफ है। पूरे संसार की आहुतियां लाकर उसने इस चित्तौड़ नाम की धरती को रोशन करने के लिए दे दी। वह सूरज आज डूब रहा है, और यह सारी उनकी जो ध्वनियां हैं, उनकी पुकार पिछोला झील के उर्मियों में गूंज रही है। झील के चारों तरफ जो कदम के वृक्ष हैं वो उनकी महानता के द्योतक हैं। शांत और घनी छाया में पेशोला की उर्मियां मंडरा रही हैं। दोनों तरफ जो झोपड़ियां हैं वो चित्र बनकर मौजूद हैं, विषाद के चित्र, दग्ध चित्र, जलते हुए दुख के चित्र के प्रतीक के रूप में वो झुग्गियां दिखाई दे रही हैं। दूसर जलत खंड भट पड़े हैं जैसे विजन अनंत में, उनको देख के ऐसा भी लगता है कि दूर किसी सूने आकाश में धूल धूसरित बादल हो जैसे, क्योंकि
श्री की कोई छाया, सौंदर्य और ऐश्वर्य की कोई छाया उन झोपड़ियों पर नहीं पड़ रही है। और संध्या की कालिमा बिखर रही है चारों तरफ। ये पिछले दिन भी पढ़ाया था, देखिए पाठांतर होता है, एक ही पाठ को अलग अलग दृष्टिकोणों से देखना पाठांतर कहलाता है। हर कविता में अभिधा, लक्षणा, व्यंजना तीनों शक्तियां काम करे तो वो सुंदर होती है। सिर्फ शब्दों को पकड़कर उसके अर्थ तक जाना, सिर्फ शाब्दिक अर्थ तक जाना अभिधा होता है। जब कहा जाता है कि कवि का सूर्य अस्त हो रहा है, तो ये नहीं कि कवि ने अलग से पर्सनल कोई सूरज उगाया होता है। कवि की जिंदगी को सूर्य की उपमा दी जा रही होती है और कवि का जीवन अब समाप्त प्राय है, बहुत वृद्ध हो चुके हैं, उस अर्थ में इसको कहा जाता है। तो इस तरह से सिर्फ अभिधा ही नहीं होती, लक्षणा और व्यंजना, और सर्वोत्तम काव्य में तो सर्वाधिक मात्रा में व्यंजना ही होती है। तो यहाँ पर संध्या के कलंक के समान कालिमा बिखर रही है। संध्या का जो कालापन है वो कलंक नहीं होता, लेकिन यहाँ पर उनकी अवसन्न अवस्था, अवसान को प्राप्त होने वाली अवस्था के अर्थ में, दुखपूर्ण सूचना देने के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। धुंधुकी मृदुंग तुरे शांत शब्द मौन है। युद्ध के सारे बाजे वाद्य यंत्र बंद है, क्योंकि युद्ध का वो उन्माद, युद्ध के लिए जो पराक्रम भाव लोगों में था, वो महाराणा प्रताप को दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। फिर भी उनकी पुकार आकाश में कौन गूंज रही है, कौन सी पुकार, कौन लेगा भारी है, कौन विचलेगा नहीं, यह भारत कौन लेगा और कौन विचलित नहीं होगा। दुर्बत्ता इस अस्थि मांस की ठोक कर लोहे से परख कर, वज्र से पर्योल का खंड से निकस पर कस कर, चूर्ण अस्थि पुंज सा हटे हंसेगा अट्टहास को। यह दुर्बल अस्थि मांस का शरीर हो चुका है प्रताप का। उन्होंने उसको हर तरह से आजमाया था, लोहे से ठोक कर देखा था, वज्र से परख कर देखा था, और प्रलय की उल्टा की कसौटियों पे कस के देखा था। अपनी हड्डियों को चूर चूर बनने की स्थिति तक भी वो हंसे थे। अरावली की पहाड़ियों में सिंह की समान विचरण किए थे। ऐसा और कौन कर पाएगा, कौन इन चुनौतियों को ले पाएगा, कौन अट्टहास करेगा बुरी स्थितियों में भी, कौन नहीं कांपेगा बुरे से बुरे यंत्रणा के क्षण में भी, कौन हार नहीं मानेगा, कौन दुखी नहीं होगा, कौन चोटों के बाद भी, घायल अवस्था के बाद भी लड़ लेगा। ये चुनौतीपूर्ण स्वर महाराणा प्रताप के द्वारा कहे गए, गूंज रहे आसमान में। साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके धूल सी उड़ेगी किस लिप्त फूतकार से, कौन लेगा भारी, किसकी साधना पिशाचों को भी चूर चूर करके बिखेर देगी। पिशाचों की मेहनत, दुष्टों की मेहनत, दुश्मनों की मेहनत पे पानी कौन फेर देगा, उनको कौन पाउडर की तरह उड़ा देगा। धूल सी किसकी फूंक मारने से, किसकी फूंक से, और ये दमनकारी शक्तियां भी हवा में विलीन हो जाएगी। यह भार कौन लेगा, जीवित है कौन, सांस चलती है किसकी, कहता है कौन ऊंची छाती कर, मैं हूं मेवाड़ में, अरावली सिंह सा समुन्नत सिर किसका, बोलो कोई बोलो, अरे क्या तुम सब मृत हो, कौन है वो। महाराणा प्रताप विफल हो चुके हैं, करुण क्रंदन समझ लीजिए आप उनका निकल रहा है इस अवस्था में, कि कोई तो बोलो किसकी छाती में सांस चल रही है, कौन मर नहीं गया है, किसके रगों में लहू दौड़ रहा है, और वो बोले कि हाँ मैं लूंगा मेवाड़ का ये भार, मेरी छाती आज भी मेवाड़ से ऊंची है, मैं करूंगा। और अरावली की चोटी के समान ऊंचा मस्तक किसका है, स्वाभिमान से किसका सीना चौड़ा है, विजय के लिए कौन मदमत्त है, अरे भाई कोई जवाब नहीं है, क्या सब मर गए हैं, क्या सब मृतप्राय हो गए, क्या सब महाराणा प्रताप से पहले भी ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। अंतिम
निराश भाव के सवाल होते हैं। मारवाड़ी में कहते हैं सारा ही मर्या पड़े हो गए थे, ये सारा ही मर्या पड़े हो गए थे जो भाव है ये यहाँ पर आया है कि अरे क्या सब उम्र सभी मर गए। आह इस खेवा की कौन थामता है पतवार ऐसे अंधड़ में, अंधकार पारावार गहन नियति सा उमड़ रहा है ज्योति रेखा ही बिछू। इस खेवा की इस नैया की कौन पतवार थामेगा, ये नैया ये खेवा चित्तौड़ है उनका राज्य है और पतवार के रूप में उन राजपूत युवकों का आह्वान कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं जो मजबूत कद काठी के हैं और मजबूत इरादों से लैस हैं। कोई मिल नहीं रहा है, अंधकार गहरा रहा है, इस गहन अंधकार में जिसका ओर छोर नहीं दिखता, क्या यही नियति है इस राज्य की भी, उमड़ रहा है ज्योति रेखा ही न छुप, कोई इरादे की झलक किसी में नहीं दिख रही है, कोई आशा की किरण कहीं नजर नहीं आ रही है। खींच ले चला है काल धीवर अनंत में, काल धीवर काल रूपी बहेलिया मृत्यु रूपी शिकारी धीरे धीरे उनको अपने आगोश के महासमुद्र में ले जा रहा है। मछली मार को धीवर कहते हैं और जिंदगी को चिड़िया समझिए, मछली समझिए, मृत्यु को समुंदर समझिए, तो मृत्यु की तरफ वो उनका शिकारी उनके प्राणों के पंछी को ले जा रहा है। सांस सफरी सी अटकी है किसी आशा में, जाल में बंद सफरी मछली में भी एक उम्मीद होती है, छटपटाहट होती है भाग भाग कर निकल कर छूट कर किसी तरह वापस पानी में जाने की, वही आस इनको भी है कि कोई तो कैसे भी आकर के इस पतवार को थाम ले, इस राज्य की बागडोर को थाम ले। आज भी पेशोला के तरल जल मंडलों में वही शब्द घूमता सा गूंजता बिकर ले, किंतु वह ध्वनि कहां। पेशोला झील में महाराणा प्रताप के मृत्यु प्राय शरीर से और मरणोपरांत भी वो शब्द गूंज रहे हैं, वही शब्द चारों ओर गूंजता है, वह विकल स्वर है, बेचैन स्वर है, किंतु वह ध्वनि कहां, वह ध्वनि कहां सुनाई पड़ रही है। गौरव की काया पड़ी माया है प्रताप की वही मेवाड़, वही मेवाड़ जो महाराणा प्रताप की ही देन है, महाराणा प्रताप की माया है, महाराणा प्रताप की वजह से सारा राज काज है, सारा धन संपदा है, लेकिन महलों में वो शब्द नहीं गूंजते क्योंकि सब अपने आमोद प्रमोद में व्यस्त हैं, लेकिन पिछोला झील में वो प्रतिध्वनि आज भी गूंजती है, किंतु आज प्रतिध्वनि कहां, वह प्रतिध्वनि महलों में कहां। लोग तो स्मृति शेष कर चुके हैं महाराणा प्रताप को, उनके शब्दों को, यही डर था उनको कि आने वाली पीढ़ियां और उस समय के तत्कालीन शासक कहीं विषय वासनाओं में भोग वासनाओं में इतने संलिप्त ना हो जाए कि वो अपना राज्य तक बचा नहीं पाए, और यही डर इस कविता में बताया गया है कि महलों में तो वो शब्द भी नहीं गूंज रहे, गूंज रहे हैं वो शब्द तो सिर्फ पेशोला की प्रतिध्वनि में। इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो कविता है एक इतिहास प्रसिद्ध आख्यान पर आधारित है, महाराणा प्रताप के उस व्याकुल मना भाव को ये कविता व्यक्त करती है जिसमें वो अपने राज्य को बचाने के लिए आतुर है, व्याकुल है, चिंतातुर है। उनको अपना पूरा जीवन याद है किस तरह उन्होंने लड़ते लड़ते राज्य को बचाने में खपाया, लेकिन उनको चिंता है कि बाद वाली पीढ़ियां बिल्कुल निराश कर रही हैं। अपना जीवन उन्होंने जंगलों की खाक छानते हुए पहाड़ियों में भटकते हुए गुजार दिया स्वाभिमान से जीने के लिए, लेकिन उनके घराने के लोगों ने उनको निराश किया, उनको हमेशा डर सताता रहा कि आगे ये राज्य कैसे चलेगा, कैसे संभलेगा। इस कविता के माध्यम से राजस्थान के
एक ऐतिहासिक घराने, एक पराक्रमी वंश के पुरुष महाराणा प्रताप की बेचैनी और वेदना का चित्रण किया गया है। जयशंकर प्रसाद की बहुत सारी कविताओं में से यह एक अत्यंत चर्चित कविता है। इस कविता के अलावा दूसरी कविता ले चल मुझे भुलावा देकर, और उसके बाद चिर त्रिषित तृप्त विधुर, ये कविताएं हम अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हमने पेशोला की प्रतिध्वनि कविता को समाप्त किया। एक वीडियो में नई दूसरी कविता शुरू में नहीं करूंगी। इस वीडियो के माध्यम से अगर कविता का भाव आप तक पहुंचा हो तो मेरा प्रयास सार्थक होगा। मैं चाहूंगी कि आप लोग इस वीडियो को देखें और जल्दी से जल्दी मुझे आशान्वित करें, मुझे महसूस कराएं कि आप तक चीज़ें पहुंच रही है। आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। बाय।